हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल इंट्राडे मैच सेवी रजिस्टर्ड। आज है ट्यूसडे 8th ऑफ अगस्त और हम बात करेंगे आज के परफॉर्मेंस के बारे में। आज हमने क्या क्या ट्रेड दिए, क्या 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 लॉजिक था उसके पीछे, और आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी था बट मोमेंटम कुछ खास नहीं रहा। बट सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कल के BTST ट्रेड के बारे में, जिसके बारे में हमने कल भी वीडियो में बात किया था। एक्सपेक्टेशन था गैप डाउन खुलेगा, ज़्यादा गैप डाउन तो नहीं खुला बट फिर भी हमने प्रॉफिट अच्छा किया ये ट्रेड में। तो 44,500 का सी मार्केट गैप अप खुला, अराउंड बैंक निफ्टी 60-70 पॉइंट ऊपर खुला था। ये 400 वाला प्रीमियम 440-450 खुला, लाइक कुछ ज़्यादा खास ओपन तो गैप अप ओपन हुआ नहीं। फिर हम बात करते हैं आज हमने जो फ्रेश ट्रेड दिया, मार्केट खुला 915 पर, 917 पर जैसा हमारा व्यू था कॉल साइड। आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम जब भी देते हैं तो कॉल देते हैं, 3-4 दिन तक कॉल साइड रहते हैं, पुट देते तो 3-4 दिन तक पुट साइड रहते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे टारगेट के लिए कभी भी ट्रेड नहीं करते। हमारे टारगेट रहते हैं लाइक बैंक निफ्टी, अगर फ्यूचर्स के हिसाब से 500-700-1000 पॉइंट का हम लोग टारगेट रखते हैं। तो अगर पहले दिन में अचीव नहीं हुआ तो दूसरे दिन में, दूसरे दिन में नहीं हुआ तो तीसरे दिन में, तो हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ये नहीं है, बहुत से क्लाइंट्स मैसेज करते हैं सर आप जब कॉल देते हो तो कॉल देते जाते हो, पुट देते हो तो पुट देते जाते हो। सॉरी, हमारा लॉन्ग टर्म हमेशा व्यू हमारा लॉन्ग टर्म का ही रहता है। हम वो नहीं सोचते हैं कि ठीक है 50 पॉइंट 40-30 पॉइंट के लिए ट्रेड किया, वो ट्रेड तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप 30-40 पॉइंट के लिए कभी भी ट्रेड करोगे मार्केट के अंदर तो कभी ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, क्योंकि होगा क्या, आप 30-40 पॉइंट कमाओगे और किसी दिन 60-70 पॉइंट का लॉस दे जाओगे। हम बात करते हैं, हमने 917 पर आज का पहला ट्रेड दिया, 370 पर एंट्री था, स्टॉप लॉस वही 40 पॉइंट का सेम फॉलो करते हैं हम हमेशा एज यूजुअल। 400 गया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, 334-335 समथिंग अराउंड आज का डे लो था इसका, वो मारा। फिर उसके बाद ऊपर आया, थोड़ा स्टेबल हुआ। उसी टाइम पर हमें एक मारुति का स्विंग ट्रेड मिला, अच्छा ट्रेड था। हमने ये प्रीमियम 190 से दिया, 192-193 नीचे गया और वहाँ से सीधा एक ही फ्लो में ये ट्रेड चला गया 244 बिना रोके, लाइक विद इन कुछ मिनट्स में ही चला गया था, 8-10 मिनट्स में तो ये 240 चला गया। तो इसका रिस्क खाली हमारा 20 पॉइंट्स का था और रिवॉर्ड आप लोग देखोगे तो इजीली हमें इसमें 50 पॉइंट मिल गया, 1:2 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मिला। तो अच्छा रहा, हम हमेशा स्टॉक ऑप्शन में छोटा ही प्रॉफिट रखते हैं और थोड़ा प्रीमियम बड़ा रखते हैं। हम हीरो जीरो के लिए स्टॉक ऑप्शन जल्दी ट्रेड नहीं करते, अगर करना भी हो तो एक्सपायरी के पास में करना अच्छा रहता है। लाइक अभी तो एक्सपायरी दूर है तो मूवमेंट उतना कुछ आएगा नहीं, उल्टा प्रीमियम डिके हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं एक्सपायरी से बहुत ज़्यादा दूर तो हम लोग बड़ा प्रीमियम ही लेते हैं, जिससे थोड़ा हमें मोमेंटम मिले तो कुछ प्रॉफिट बुक हो सके। अब 44,600 का सी हम चार्ट पर देख लेते हैं, आज हमने ये ट्रेड कहाँ पर बुक किया है। तो 44,600 का सी खोलेंगे तो आज का देखिए एंट्री हमने ली थी 370 अराउंड, स्टॉप लॉस हमारा वही 330 का, और आज का हाई आप लोग देखोगे तो 560 का है। फर्स्ट टारगेट था 530 का, इजीली अचीव हुआ, अच्छा खासा इसमें हमें प्रॉफिट मिला। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 120-130 पॉइंट का हमें प्रॉफिट इजी, 190 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। रिस्क 40 का था, 1:4 बोल सकते, 5 बोल सकते, हमें मिला तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में भी हमें मिला आज के दिन। हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रेड भी, 44,500 का PEB जो BTST था उसमें भी हमें 250 पॉइंट करीब मिल गए, 645 के आसपास का हाई था आज के दिन का। ठीक है, तो हम नया ट्रेड के बारे में बात करते हैं आज। फिर जैसा फिर निफ्टी एक्सपायरी था तो हीरो जीरो ट्रेड तो हम हमेशा देते हैं। आज थोड़ा लग रहा था मूवमेंट कम रहेगा इसलिए 50-60 रुपये वाला प्रीमियम नहीं दिया हमने, 100 वाला प्रीमियम लिया। अब जब मार्केट चल रहा था 107-108 तो हमने बोला था 100 से 105 के बीच में ये ट्रेड लेना है। 99 पर आया, फिर ये ट्रेड सीधा रॉकेट हुआ और ये ट्रेड हमारा गया करीब आज का फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी 9950 का पी, इसका हाई गया आज का 182 का। तो फर्स्ट टारगेट 180 का था, इजीली 80 पॉइंट्स तो हमें इसमें कैप्चर हुए। अब पेड में हमने इसका स्टॉप लॉस रखा था आज के दिन में 80 का, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट का टारगेट 1:4 में हमने अच्छा प्रॉफिट किया इसमें भी। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड के बारे में, तो यहाँ तक तो सब सही था, अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर हमने सेकेंड हाफ तो नहीं बोल सकते हैं, लाइक मिड में हमने एक 11:45 के अराउंड ट्रेड लिया, 44,600 का कॉल 400 से लिया था, 536-40 टारगेट था। इसमें भी हमें
अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ 44,600 में, हाई इसका 480 मारा, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, 80 पॉइंट का प्रॉफिट, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बोल सकते हैं। इसमें भी 1:2.5 के अराउंड रिवॉर्ड मिला है। अब रियल प्रॉफिट तो वही है जो किसी ने ट्रेड किया। फिर दो ट्रेड और दिए हमने, इवन कैश का भी ट्रेड दिया था हमारे पेड चैनल में। तो एक ट्रेड हमने जब यहाँ पर लिखा था कि हम लोग नया ट्रेड पेड चैनल में देंगे, तो उसके बाद हमने ये ट्रेड दिया था, एक रिस्की ट्रेड था कॉल साइड का, क्योंकि आप निफ्टी को देखोगे तो काफ़ी नेगेटिव था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इवन अदर इंडाइसेस। तो वही डर था कि अगर थोड़ा भी मार्केट गिरना शुरू होता तो ज़्यादा गिर सकता था, इसलिए हमने स्टॉप लॉस के साथ, मतलब स्टॉप लॉस आप पेड चैनल तो स्टॉप लॉस देंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लिया। 132 अराउंड इसका भी हाई गया, 40 पॉइंट मिला 20 पॉइंट के, इससे अच्छा था, मोमेंटम था ही नहीं। अगर हो सकता था स्टॉप लॉस ट्रिगर होता तो 20 पॉइंट जाता, बट ऊपर में भी मूवमेंट कुछ खास मिला नहीं, प्रॉफिट कुछ एक्सपायरी जैसा नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ लेकिन जो एक्सपायरी पे होना चाहिए कि 150-200-250 पॉइंट मिले, वो नहीं मिल पाए। फिर हम और नीचे जाते हैं, फिर सेम लेवल के पास हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली, 80 के पास नया ट्रेड लिया, 130 का टारगेट दिया था सीधा, 50 पॉइंट इसमें मिल गया, 20 पॉइंट का, 20-22 पॉइंट का सेम स्टॉप लॉस इसमें भी रखा, तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अब हमने ये जीनस पावर का एक पोजिशनल ट्रेड लिया 190 से, टारगेट हमारे 220-240 है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो ये हमारे टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे, और अगर मार्केट नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है, जैसे अभी लग रहा है कि थोड़ा यहाँ से करेक्शन मिलना चाहिए, तो ये करेक्शन में हो सकता है शेयर नीचे जाए, तो थोड़ा केयरफुल रहना। अगर आप लोगों ने ट्रेड किया है तो बीच बीच में अपडेट मांगते रहना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपडेट्स तो ज़्यादा नहीं दे पाते। हाँ, पेड चैनल में हम लोग इसका अपडेट देंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस आपका 173 हिट हो जाए, आप एग्जिट कर जाइए, और 190 से ऊपर जाता है तो आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, क्योंकि ट्रेड है रिस्की, यहाँ से करेक्शन आने की एक पॉसिबिलिटी है। करेक्शन आएगा तो हमेशा मार्केट में आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी बड़े बुल रन में मार्केट रहता है, लाइक बढ़ रहा है 15-20 दिन 10 दिन, उसके बाद जब करेक्शन आता है ना, तो कितना भी अच्छा शेयर हो, इवन उसमें भी एक ब्रेकडाउन आना शुरू हो जाता है, तो भले टेक्निकल्स अच्छे हो, फंडामेंटल्स अच्छे हो, तो भी शेयर नहीं परफॉर्म कर पाता है, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि ये नहीं करे, नहीं तो सब अच्छा है इस शेयर में पोजिशनल हिसाब से देखा जाए तो। फिर हमने एक दिया था ट्रेड अराउंड 256 पर 3:00 का मोमेंटम कैप्चर करने के लिए, तो ये ट्रेड कुछ खास चला ही नहीं, 110 पर दिया था, 130-135 या 140 गया, और वहाँ से फिर वापस 110 आ गया, तो हम बोल नहीं सकते कि ये ट्रेड में हमने कुछ प्रॉफिट लॉस किया। हाँ, एग्जिट ऑन कॉस्ट हम लोग बोल सकते हैं। फिर 45,200 का पी हमने आज कैरी किया 370 से, क्लोजिंग भी अराउंड 370-380 हुई है। देखते इसका क्या रहता है। अब रीज़न यही है कि हमने पुट क्यों कैरी किया, आज निफ्टी गिरा हुआ था, बैंक निफ्टी भी प्रेशर में था, कुछ ऐसा खास परफॉर्म किया नहीं, और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से फॉल होना चाहिए। अब आगे का टेक्निकल पार्ट मेरे कलीग आपको समझाएंगे। थैंक यू। होप गाइस आपने अच्छे से सब ट्रेड्स आज लिए हो और अच्छे से प्रॉफिट किया होगा, ऐसे ही हम आज आशा रखते हैं आपसे। ओके, तो जितने भी ट्रेड्स वगैरह हमने लिए, ऑलमोस्ट 7-8 ट्रेड्स में हमने आज काम किया था, उसमें से मेनली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आज हमने काम किया था। तो चलिए उसके चार्ट पे जाते हैं, जो भी उसका इंट्राडे स्ट्रक्चर वगैरह है, प्राइस कैसे मूव हो रहा है, कल हमने क्या भी जो भी डिस्कस किया था, वो सब चीज़ें हम अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राइट, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कल मैंने आपको एक ऐसा ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके बताया था। राइट, कि मुझे एक थोड़ा स्लांटी सा स्लोपी सा एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है। राइट, तो आप देख सकते हो कि प्राइस है ना यहीं कहीं ओपन हुआ था, अपने पास ये वाला पूरा पैटर्न कम्प्लीटली बन के रेडी था। यहाँ पे हमें लग रहा था कि ब्रेकआउट आ सकता है, या फिर मैंने बोला था यहाँ तक के टारगेट्स वगैरह आ सकते हैं। पर एक चीज़ आप देखने जाओ, ये थोड़ा सा स्लोपी सा एक मैंने रेजिस्टेंस बनाया, पर मैंने एक दूसरा जो भी रेजिस्टेंस एरिया बोल सकते हो अब, तो मैंने ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया भी आपको यहाँ पे बताया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, प्राइस ये वाला जो भी मैंने जोन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी बॉक्स से, तो वही आके प्राइस नीचे आया, और जितनी भी बार प्राइस ऊपर जाने का ट्राई किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, हर बार यहाँ पर प्राइस ने वहाँ से रेजिस्टेंस लिया है गाइस। तो एक ये चीज़ कह सकते हैं कि प्राइस और वी कैन से जो भी सेलर्स वगैरह है, या फिर
कोई भी ऊपर से पुट बायर से, तो ये वाला लेवल स्टिल इंटैक्ट रखना चाहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बाइंग हमें दिख सकती है पर इस लेवल के ऊपर ही दिख सकती है। तो एक हमें एक पॉसिबिलिटी आज लग रही थी कि प्राइस ये वाला जो भी रेजिस्टेंस एरिया है, जो भी बोल सकते सप्लाई एरिया है, सप्लाई एरिया को आज ब्रीच कर सकती है। आज हमें लग रहा था कि गैप अप ओपन हो जाए और ये मतलब गैप अप ओपन हो जाए तो ये रैली कर सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं और देख सकते हो कि एकदम फ्लैट ओपन हुआ था। एक चीज़ तो देखने को मिली कि जो भी हमने स्टार्टिंग में सी साइड का हमारा जो भी व्यू था, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी ये वाला एरिया था, जो भी हमारा सप्लाई एरिया है, वहाँ तक तो हमें अच्छे से ये वाला पूरा रैली तो हमें कैप्चर करने को मिला ही। तो जो भी हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 था स्टार्टिंग में, जो भी 44,500 का जो भी BTST था और 44,600 का भी जो कॉल हमने स्टार्टिंग में दिया था, तो BTST का भी टारगेट 1 टारगेट 2 आया था, 645 का हाई मारा था उसने, राइट। तो अच्छा खासा बोलने जाए तो कि 200 पॉइंट आराम से उसमें मिले थे, 400 400 एंट्री था, तो 400 से 600 और ऊपर 245 पॉइंट्स का हाई उसने लगाया था, तो आराम से आप 200 पॉइंट भी इजीली कैप्चर कर सकते थे इसमें। तो स्टार्टिंग का जो भी ट्रेड वगैरह हमने दिया था वहाँ पर, तो आपने अच्छे से यहाँ पर ट्रेड किया हो जिसने भी, तो यहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते थे, राइट। और यहाँ पर कहीं हमने ट्रेलिंग में यहाँ पर निकाला था बिकॉज प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं करता था। और जितनी बार आप देख सकते हो कि जब भी प्राइस बाउंस लेने का ट्राई किया होगा ना, हमने हर बार वो प्रॉपर रिवर्सल कैच किया है। तो जो भी सपोज यहाँ पर भी लिया होगा तो ये वाला बाउंस हमने प्ले किया है। तो ये सब चीज़ें आप हमारे ट्रेड्स में देख सकते हो, प्रॉपरली रिवर्सल्स पर भी हम काम करते हैं और अच्छा खासा उसमें भी बाउंस हमें देखने को मिलता है कि 40 60 80 पॉइंट प्राइस ऊपर चला जाता है, राइट। तो आप वहाँ पर बुक भी कर सकते हो, या फिर कोई किसी को मे बी अपने जो भी ट्रेलिंग एसएल फॉलो करते हैं तो वो चीज़ भी आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर खींचा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये हो रही थी कि प्राइस, कल मैंने बोला था कि हायर लोज वाले स्ट्रक्चर में प्राइस घूम रहा है, राइट। पर एक चीज़ अभी है कि कल तक हमें जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा था वो बुलिश था, पर जो भी प्राइस आज ट्रेड किया, जैसे कि प्राइस ने आज ट्रेड किया, तो पॉसिबिलिटी हमें लग रहा था कि ये रेजिस्टेंस एरिया टूट जाए, पर नहीं तोड़ा और कंटिन्यूसली वहाँ से ही आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस ले रहा है। चाहे साथ साथ में OI भी देख लेते हैं कि OI का डेटा क्या कर रहा है हम। जैसे कि कल आपने देखा होगा कि कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई गई थी, राइट। तो कॉल राइटिंग कंपेयर टू पुट राइटर्स, तो आज आप देख सकते हो कि ये जो भी 45,000 वाला जो भी पुट जो भी स्ट्राइक है वहाँ पे पुट राइटर आज की जो भी चेंज इन ओए में फ्रेश एंट्री बोल सकते हैं कि पुट राइटर्स वहाँ पे बढ़े गए। पर ओवरऑल पोजीशंस में आप जो देखोगे यहाँ पे, तो जो भी कॉल राइटर्स है उनकी टोटल वॉल्यूम वीकेंड से 60 लैक्स प्लस है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है कि धीरे धीरे पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं पर ऑलरेडी कॉल राइटर्स वहाँ पे है ही, राइट। तो एक चीज़ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो भी एक रेंज में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि ये वाला एक जो रेंज है, ये एक वीकेंड से यहाँ पर हमें थोड़ी लेस क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए बिकॉज प्राइस ईदर साइड कोई भी साइड मूवमेंट यहाँ पे कर सकता है, राइट। सपोज प्राइस को साइडवेज भी होना होगा तो ये यहाँ पर ऐसे साइडवेज भी हो सकता है। पर जो ये वाला रेंज और ये जो भी स्विंग्स लास्ट के ये वाले स्विंग्स है, एक सेकंड गाइस, ये वाले स्विंग्स टूटते हैं तो हमें इधर साइड नीचे साइड मोमेंटम मिलता है, या फिर गैप अप ओपन होता है तो ऊपर साइड की रैली हमें मिल सकती है। तो दो मतलब दोनों साइड के सिनारियोज हम लेके चल रहे हैं। स्टिल हमें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्राइस हमें नीचे का मोमेंटम दे सकता है, इसलिए हमने हमने जो भी BTST दिया है वो भी पुट साइड का ही दिया है। तो लेट्स सी मार्केट कैसा करता है, बिकॉज अभी एक चीज़ आप देखोगे ना, तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, या फिर जो ये भी आप क्या बोल सकते हैं, इस असेंडिंग ट्राइंगल भी बोल सकते हो, राइट। तो अभी ये चीज़ मेरे को दिख रही है, तो ऑब्वियसली जो भी ट्रेड करते होंगे टेक्निकल्स पे उनको भी ये चीज़ दिख ही रही होगी। ओके, असेंडिंग ट्राइंगल इन द सेंस के रजिस्टेंस बार बार वहाँ पे टच होता है, रजिस्टेंस बार बार टच होता है। ऑब्वियसली बहुत सारी बार रजिस्टेंस पे प्राइस रजिस्ट होती है तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, लोगों को ये सब चीज़ें पता ही है, राइट। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बुलिश पैटर्न बना है, पर जो चीज़ें सब टेक्निकल्स जो भी ट्रेडर्स वगैरह सब फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली चीज़ है कि मार्केट उस चीज़ को मे भी कोई कोई बार गलत कर देता है, या फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हर बार मार्केट नहीं चलता, राइट? तो वही एक चीज़ हमें थोड़ा आज कॉन्ट्राडिक्ट व्यू दे रही थी कि सभी लोग आज ऐसा ही सोच रहे होंगे कि आज प्राइस असेंडिंग ट्राइंगल में है, मे बी कल गैप अप दे दे या फिर साइडवेज होके फिर ऊपर निकल जाए, पर हमें थोड़ा वही उसके ऑपोजिट व्यू लेके चल रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियस ट्रैपिंग तो मार्केट में होती है, राइट? आपको वो चीज़ पता ही है, मार्केट ट्रैप करे बगैर मूव होता ही नहीं है। तो वही एक सिंपल सा थिंकिंग लेके हम चल रहे हैं। ट्रेंडिंग वाई भी हम देख लेते हैं कि आज कौन कौन से स्ट्राइक्स में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो मोस्टली इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन तो था ही, जे देखने जाए तो सी पी बोथ साइड था। आज हमने कॉल साइड के ट्रेड्स ज़्यादा दिए थे, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि 5 में से 4 स्ट्राइक्स पुट राइटिंग की थी, तो मोस्टली पुट साइड ज़्यादा राइट हो रहा था, यानी कि मतलब नीचे से लोग राइटिंग ज़्यादा कर रहे थे, लोगों को भी ऐसे लग रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगा, राइट? तो ये भी एक थोड़ा सा डेटा हमारे हमारे व्यू हमारे फेवर में ही था वीकेंड से। और फिन निफ्टी में भी हमने काम किया तो देख लेते हैं फिन निफ्टी भी आज कैसे प्राइस एक्शन बनाया है। देखने जाए तो लास्ट प्रीवियस डे भी ये थोड़ा साइडवेज ही चला गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक चैनल जैसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कुछ बना रहा है प्राइस, यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है। अभी देखते हैं ये चैनल किस साइड टूटता है, इधर साइड मोमेंटम हमें मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस यहाँ से टोटली गिर रहा था, यहाँ पर पता है प्राइस ये नीचे आया तो भी मैंने आपको बोला था ये मुझे फ्लैग एंड पोल ही लग रहा है ये नीचे आएगा, तो वहाँ से वो फ्लैग एंड पोल भी यहाँ से अच्छा चला था, उसके बाद ये नीचे आया। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लेके ये उसका जो भी रेंज था वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एकदम स्मॉल हो चुका है। अभी इधर साइड हमें एक मोमेंटम मिल सकता है कि इसका भी ओवर डेटा देख लेते हैं, चलो ना, तो वो पता चल जाएगा इस उसके साथ साथ। ज़्यादा कुछ वॉल्यूम हमें फिन निफ्टी में देखने को मिल नहीं रहा है, जो भी स्पॉट प्राइस है 20,100 के करीब करीब ही कुछ कॉल पुट है, वो भी दोनों साइड है। तो इसमें भी मतलब वो कॉन्ट्राडिक्टरी मामला है कि दोनों साइड राइटिंग हुई गई है, तो देखते हैं। और ये वाले रेंज भी आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक कोई स्ट्रक्चर प्राइस बना के नहीं चल रहा कि बुलिश स्ट्रक्चर या फिर बियर स्ट्रक्चर, एक चैनल चल रहा है, देखते हैं इधर साइड टूटेगा उस साइड हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, राइट? आज भी आप देख सकते हो कि प्राइस करीब करीब यहाँ यहाँ पर ओपन हुआ था, ये वाला भी एक रैली हमने प्ले करा था लास्ट लास्ट में यहाँ पर, है ना, ये वाला जब भी ये मोमेंटम आया तब हमने जो बड़ी वाली कैंडल बनी तुरंत ही हमने वहाँ पर ट्रेड दिया था। मतलब वो जो एक बोल सकते हैं ना कि 5 से 10 मिनट का मोमेंटम था जिसमें हमें आराम से इजीली 80 से 130 प्राइस हमारा मूव हो गया था, तो आराम से उसमें भी आपको 40 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गए होंगे। तो मतलब किसी ने ये वाला हीरो जीरो ट्रेड प्ले किया होगा तो उसने भी अच्छा खासा गेन वहाँ पे किया होगा, तो अच्छा खासा मोमेंटम भी हमने कैप्चर किया है फिन निफ्टी में आज। पर देखने जाए तो वही वही है जो भी हमें लाइक दिस ये वाला जो भी मोमेंटम कैसे मार्केट में आ रहा था वन साइडेड, तो ऐसा मोमेंटम हमें आजकल देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियस चीज़ है ना, एक के बहुत टाइम से मार्केट वन साइडेड मोमेंटम बहुत दिनों पहले दे चुका है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा मार्केट अभी कूल डाउन हुआ है, लेट्स सी किस साइड हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आज का यही था गाइस, आज का जो भी इंट्राडे स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन और वीकेंड से के जो भी ट्रेड्स लिए थे वो हमने आज आपको एक्सप्लेन किए। होप ये सब चीज़ें आपको आपकी जो भी लर्निंग है उसमें वगैरह में काम आएगा, बस यही हम आशा रखते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी डाउट वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हो, या फिर जो भी हमारा कम्युनिटी है, फ्री कम्युनिटी है, पेड कम्युनिटी है, दोनों है, दोनों से आपको जिसमें भी मतलब ज्वाइन होना आप इजीली ज्वाइन हो सकते हो। उसके रिगार्डिंग भी कुछ भी आपको क्वेश्चन वगैरह हो आप इजीली कमेंट बॉक्स में डाउट वगैरह से उसमें पूछ सकते हो। ओके, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छी अच्छी लर्निंग्स के लिए। थैंक यू।